गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी जो कि आपको रियली में बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देगी। मैंने इसे 1 वीक यूज़ किया और मुझे रियली में गाइज बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला। मुझे काफ़ी ग्लो फील हुआ अपनी स्किन पे और मेरी स्किन काफ़ी फ्लॉलेस भी हुई है। तो वही फेस मास्क मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी रेमेडी का पार्ट मिस ना कर सकें, ताकि आप अच्छे से इंग्रेडिएंट्स और अच्छे से जान लें कि वो हमें किस तरह यूज़ करनी है। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एज यूजुअल और तो वीडियो को लेकर चलते हैं आगे से। तो यहाँ हम फ्लैक्स सीड का पाउडर लेंगे जो कि मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। तो फ्लैक्स सीड हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारी स्किन को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड ले लूँगी और यहाँ पर मैं यूज़ करी 1 टेबल स्पून कर्ड। तो आपको 1 टेबल स्पून इसमें कर्ड ऐड कर देना है। उसके बाद विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स हम यूज़ करेंगे। विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स को मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स वेल करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ और बताती हूँ कि आपको ये किस तरह लगाना है। तो यहाँ पर ये मैंने पैक ले लिया है। पैक को आप हल्के हाथों से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, आप अपने नेक पे भी अप्लाई करिएगा। ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग और सफल और डार्क स्पॉट्स इससे चले जाएंगे, बिल्कुल आपकी स्किन को काफ़ी ग्लोइंग बनाएगा। और इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पे से अप्लाई करना है। 20 मिनट के लिए इसे आपको छोड़ देना है और सादे पानी से वॉश कर लेना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरा फेस वॉश करने के बाद काफ़ी ग्लोइंग लग रहा है। आपको इसे रोज़ डेली करना है, एटलीस्ट 7 डेज तक आपको रिज़ल्ट खुद नज़र आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।